हरियाणा कांग्रेस में एक बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, प्रोफेसर संपत सिंह एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा संपत सिंह को कांग्रेस में शामिल कराएंगे। इससे पहले इनकी दीपेंद्र हुड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी और मुलाकात के बाद भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो एक बार फिर से कांग्रेस में आने वाले हैं। तो अटकलें ये हैं कि आदमपुर से कांग्रेस इन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा संपत सिंह को कांग्रेस में शामिल कराने वाले हैं। तो शाम 4 बजे हरियाणा कांग्रेस की प्रेस वार्ता होने वाली है। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे और क्या इसे हम पूरी तरह से मानकर चल सकते हैं कि आदमपुर से संपत सिंह को कांग्रेस अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश करने वाली है? देखिए, इस वक्त मैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हूँ। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी वो मैं कांग्रेस विधायकों के साथ आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले संपत सिंह की अगर बात करें, संपत सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल संपत सिंह बीजेपी में है, बीजेपी की राजनीति नहीं कर रहे लेकिन वो बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद से कहना कि वो अपने आप को बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे। बीजेपी की तरफ से उनको प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया था लेकिन उनकी तरफ से वो पद नहीं लिया गया था, और आज 4 बजे के करीब संपत सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वो आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान वो मौजूद रहेंगे। दोपहर का समय बताया जा रहा है वो शामिल हो जाएंगे। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नारनौल से पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भक्त शर्मा वो भी शामिल होंगे। नारनौल से पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। संपत सिंह की ज्वाइनिंग काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आने वाले दिनों में आदमपुर में उपचुनाव होना है। आदमपुर उपचुनाव से पहले संपत सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे तो एक बड़ी बात है, संभावना है संपत सिंह या उनके बेटे गौरव संपत उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये भविष्य की बात है लेकिन वो जब कांग्रेस में आ रहे हैं तो कहना कि इसी कमिटमेंट के आधार पर आ रहे हैं कि या वो खुद चुनाव लड़े अपने बेटे को चुनाव लड़ाए। और संपत सिंह के आने से कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी, वरिष्ठ विधायक है मलिक साहब, जगबीर मलिक साहब वो मौजूद, उनसे बात करेंगे। आज संपत सिंह साहब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी, अकेले हिसार में मिलेगी या पूरे प्रदेश में? नहीं, संपत सिंह जी जो है बहुत पुराने जो है पॉलिटिशियन हैं, 6 बार जो MLA रह चुके हैं, उनका प्रभाव जो है सारे हरियाणा में है। वो जिसमें उन्होंने जो है साफ सुथरी राजनीति की है और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो टिकट के कमिटमेंट पर आएंगे, किस तरीके से आएंगे संपत सिंह साहब? ऐसे मुझे नहीं लगा कोई टिकट की कमिटमेंट होगी। यदि उनका राइट बनेगा वहाँ उस हिसाब से, जैसे भी सर्वे होगा जिसमें जो जीतने की पोजीशन में होगा उसी को टिकट मिलेगी, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई शर्तों के साथ आएगा। बिल्कुल, देखिए आज ज्योति संपत सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। निस्संदेह संपत सिंह के आने से कहना कि जो आदमपुर उपचुनाव है थोड़ा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर संपत सिंह की बात करें 6 बार वो विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनका एक अपना कद रहा है। भजलाल के मुकाबले में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि बिल्कुल कम मार्जिन से चुनाव भी हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं संपत सिंह के आने से जो आदमपुर उपचुनाव है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। संपत सिंह खुद लड़े या अपने बेटे गौरव संपत को भी वो भविष्य में आगे कर सकते हैं। और फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेता प्रतिपक्ष के आवास पर हूं, विधानसभा सत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं जो विधायक है तमाम विधायक लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरना, वो रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल अनिल, तो रणनीति बनाने वाली है कांग्रेस, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, कि किन किन मुद्दों को लेकर किस तरह से सरकार को घेरा जाए इसे लेकर भी तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो आज सत्र रहने वाला है, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा छाए रहने वाला वो है विधायकों को धमकी का मामला। एक कांग्रेस विधायक है सुभाष गंगोली साहब, हमारे साथ मौजूद है, सफ़ेदों से विधायक है, खुद इनको भी धमकी दी थी, वो मुद्दा छाया रहेगा। गंगोली साहब, आज जो सदन है सबसे ज़्यादा मुद्दा यही छाया रहेगा कि जो विधायकों को धमकियाँ दी गई थी, आपको भी धमकी दी गई थी, आप खुद कहीं ना कहीं एक तरीके से पीड़ित रहे इस बात के। ये जो धमकी जो दी गई थी, ये विधायकों को धमकी का जो मतलब है वो पूरे हरियाणा के लोगों को धमकी है, क्योंकि मान लिया 6 विधायकों को धमकी दी है, 2-2 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं एक एक विधायक, और इससे जो जनता के अंदर या व्यापारी के अंदर जो संदेश गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्होंने जो विधायकों को धमकी दी है, तो जब ये आम व्यापारी को धमकी देंगे वो पुलिस तक नहीं जाएगा। विधायक तो पहले आप
सरकार ने भी सिक्योरिटी दी हुई थी और ज्यादा भी दे देगी सरकार, लेकिन ये बात विधायकों की नहीं है। सिक्योरिटी 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 देने की बात तो उस व्यापारी की है, उस पूरी जनता की, हरियाणा की जनता की है जो इस धमकी से इतने थ्रेट में है कि वो पुलिस तक भी जाना पसंद नहीं। तो इस्तीफा ही दे दिया था इस पूरे मामले पर। तो वो इसको जब भी उनको कोई धमकी या फिरौती मांगी जाएगी वो पुलिस तक नहीं जाएंगे, ये सोच के नहीं जाएंगे कि जब विधायकों को कोई धमका सकता है तो हमारी तो औकात ही क्या है, इसलिए वो उस फिरौती को उन बदमाशों को देने का मतलब। उस कार्रवाई से जिन जिन विधायकों को धमकी दी गई थी आप लोग कितने संतुष्ट, आपने भी मामला दर्ज करवाया था और आप वाले मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है? मुझे इस बात की ज़्यादा सी जानकारी नहीं है, अखबार के माध्यम से ही जो आप लोगों को जानकारी है वही जानकारी मुझे है, लेकिन मैं इसको मेरी धमकी से नहीं जोड़ता। मैं तो खुद भी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी करने में सक्षम था, दूसरे विधायक भी हैं, लेकिन इस जनता की सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है कि जो जो हमारे व्यापारी हैं जो जो मतलब एक बहुत अच्छा मॉल चाहते हैं तभी व्यापार कर पाते हैं, जो बाहर से निवेश आना है वो हमारा जो वो नुकसान होने लग रहा है। मैं तो सरकार से भी इस बात की डिमांड करता हूं कि मतलब एक ऐसा मॉल पैदा किया जाए हरियाणा में कि लोग अपना काम धंधा सुचारू रूप से और ठीक ढंग से करें। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, धमकी का मुद्दा उठाएंगे, DSP मर्डर हुआ वो मुद्दा उठाएंगे, लेकिन सरकार ने भी आंकड़ा तैयार किया हुआ है कि इन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, सरकार भी तैयार है? नहीं, सरकार भी तैयार होगी, कुछ ना कुछ तो वो भी लेके आएगी। ये मुझे जो लगता है ये जो बदमाश जो ये आदमी पकड़े हैं ये इस तरह के आदमी नहीं थे, ये दूसरी तरह के आदमी थे, ये चीटिंग अकाउंटों की चीटिंग और छोटी मोटी चीटिंग करने वाले लोग थे जितना उनके बारे में जो हमने अखबारों में आपके माध्यम से जो देखा। यानी अब तक जो कार्रवाई हुई उतना संतुष्ट नहीं है आप? मैं तो संतुष्ट मेरे धमकी की या दूसरे विधायकों की धमकी की बात नहीं है, मैं तो जनता के अंदर एक अच्छा संदेश की बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि जनता के अंदर एक ऐसा संदेश ही सरकार ने वो देना चाहिए और जिससे कि वो अपना जो भय का माहौल है उससे बाहर निकल सके। कौन से मुद्दे आज कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे और पूरे सत्र में उठाए जाएंगे? वो तो जिस प्रकार से बारिश के अंदर जो बसास्तों में भी पानी भर गया, पानी की निकासी पूरे हरियाणा की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बगैर बरसात के तो कई भी समस्या है, और जब बरसात होती है तो जो हमारी शहर है, कस्बे हैं, गांव हैं, उनके अंदर जो पानी की निकासी नहीं हो पाती, और सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां के पानी की निकासी मतलब जहां ठीक ठाक हो। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे उठा जाएंगे। मलिक साहब से भी दोबारा एक सवाल पूछते हैं जाते जाते, मलिक साहब विधायकों की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था, इसके अलावा और कौन से मुद्दे छाए रहेंगे? इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भी हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, भ्रष्टाचार पर, और अवैध खनन का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, और जो अब सेना भर्ती का जो मामला है, 4 साल के लिए सैनिक भर्ती कर रहे हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए, एक जवानों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। ये सारे मुद्दे पिछला पंचायत के जो है कानून श्यामनाथ भूमि के बारे में जो है ध्यान काल ट्रेडिशन मोशन है, तो बहुत से इशूज हैं। नशे का है जो आज इस प्रदेश में नशा इतना भारी तौर पर जो चल रहा है, इसके खिलाफ भी जो है हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया पार्टी ने। एक सवाल मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, जिस वक्त चौधरी बंसीलाल होते थे आप उस दौरान भी विधायक होते थे, हबीबपा में आप होते थे, और आप फिलहाल भी विधायक है, 30 साल से ज़्यादा की आपकी राजनीति होगी। अब जो विधानसभा डिजिटल विधानसभा होने जा रही है, जो अब आप लोग पेपर की बजाय कहीं ना कहीं टेक्निकली सवाल पूछेंगे, डिजिटली सवाल पूछेंगे आपके, तो किस तरीके से जो डिजिटल विधानसभा, इसे आप कैसे देखते हैं, आप कितना फ्रेंडली आपको मानते हैं, मोबाइल के लिए कितना फ्रेंडली मानते हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसके लिए आप कितना फ्रेंडली मानते हैं? देखिए जो मैं समझता हूँ, देखो नए जो विधायक हैं उनके लिए तो शायद ये कन्वीनियंट हो, पुराने के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, हमें तो पुराने विधायकों को परेशानी आ सकती है। बहुत शुक्रिया अनिल, बातचीत आपने की और साथ ही जानकारी भी आपने दी।